गेस व्हाट्स कुकिंग टुडे। हाय फ्रेंड्स, देखो मेरे रॉकस्टार्स तो यहाँ वेट कर रहे हैं, तो कुछ गेस कर सकते हो क्या बना है आज? शायद इसको देख के अंदाज लग ही जाएगा कि आज हम लोगों ने घर में बिरयानी बनाई है। यस, तो हमारी बिरयानी बनके तैयार है। तो आज हमारा रेसिपी है अम्मी की चिकन बिरयानी। देखिए कितना बढ़िया आया है। एक्चुअली मेरे दो तीन दोस्त, सुमा, शांति, थोड़े दोस्तों ने मेरा चिकन बिरयानी का रेसिपी पूछा था, तो मैंने सोचा कि जब बनाऊंगी उसको शेयर कर दूंगी। तो आज मैंने चिकन बिरयानी बनाया है और बच्चों की खुशी देखो, उनको चिकन बिरयानी बहुत पसंद है। और ये मिक्स टाइप का है क्योंकि उनको ऐसे ही पसंद है। मास्टर शेफ जजेस आर वेटिंग कि इस रेसिपी के बारे में कमेंट्स दें। ईगर टू टेस्ट। ओके, तो चलो लेट्स आई सर्व। कैसा है? वाओ, रियली अच्छा है। टेस्टी? टेस्ट तो क्या मस्त है। अका की कॉफी खाओ 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 खाओ। तो चलो अभी देखेंगे कि ये बिरयानी को कैसे बनाना है। तो ये अम्मी की चिकन बिरयानी बनाने के लिए हम लोगों को जो चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बताते जाऊंगी कि वो क्या सब है। तो यहाँ पे 2 केजी का चिकन है, 2 केजी का चिकन है। और मेरा एक आदत है कि मैं बिरयानी, कबाब, सुक्का सब बनाती हूँ तो चिकन को धोने के बाद स्ट्रेनर में डाल के रखती हूँ, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, जैसे मैं उसको वॉश करती हूँ स्ट्रेनर में डालती हूँ ताकि एक्सेस पानी निकल जाए। तो ये 2 केजी तक का चिकन है। फिर मैंने इंडिया गेट बासमती का चावल लिया है, यहाँ 1 केजी का पैकेट है, 1/2 केजी और लूँगी। सो 2 केजी के चिकन के लिए 1.5 केजी तक का इंडिया गेट बासमती का चावल यूज़ करूँगी। कुछ लोग सेम यूज़ करते हैं, 1 केजी चिकन के लिए 1 केजी चावल। हम लोगों को बहुत ज़्यादा चावल नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा क्वान्टिटी कम कर रही हूँ। मैं पकाने के बाद शायद और ज़्यादा थोड़ा कम कर दूँ क्वान्टिटी, वो मैं बाद में डिसाइड करके बोलूँगी। फिर यहाँ पे एक टोटल 8, मतलब एक मीडियम और ये ज़्यादातर इसमें एक बड़े प्याज है और एक 2 छोटे हैं, तो 8। अगर बड़े ले रहे हो तो 7 बड़े प्याज बस है, अगर 1-2 मिक्सअप कर रहे हो तो 8 तक ले लो। फिर यहाँ पे टोमेटोस हैं, अगर बड़े हैं तो 4 टोमेटोस, यहाँ पे बड़े हैं और 1-2 छोटे हैं तो 5 टोमेटोज़ लिया है मैंने। ग्रीन चिलीज़ है, ग्रीन चिलीज़ अराउंड 8 है यहाँ। फिर मैं थोड़ा चिली पाउडर डालूँगी क्योंकि ग्रीन चिली थोड़ा ये स्पाइसी ज़्यादा है और ज़्यादा ग्रीन चिली यूज़ करें तो बच्चों को बाद में पेट में जलता है बोल के कंप्लेन करते हैं, तो मैं थोड़ा ग्रीन चिलीज़ के साथ रेड चिली पाउडर डाल के बैलेंस करती हूँ। तो अराउंड 8 ग्रीन चिलीज़ है, 2 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ चिली पाउडर रखा है। बाद में मैं अगर मुझे लगता है कि कम होगा चिली और जो स्पाइस चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाते हैं, तो मुझे जितना चाहिए वो लेवल के लिए अगर मुझे कम लगेगा तो मैं थोड़ा चिली पाउडर बाद में ऐड करूँगी। तो एट प्रेजेंट के लिए मैंने 1 टेबलस्पून रखा है और यहाँ पे 1.5 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, फिर 3/4 कप ऑफ कर्ड्स, वो थिक स्ट्रेन्ड कर्ड्स है, मतलब मैंने कर्ड्स को स्ट्रेनर में डाल के फिर मैंने 3/4 कप लिया है क्योंकि उसका पानी थोड़ा निकल जाएगा और मुझे थिक कर्ड्स की ज़रूरत है। फिर खड़े मसाले में 1/4 इलायची है, 7 लौंग है,
इसको बादियाना, स्टार अनीस बोलते हैं। तो ये एक सारा और एक आधा। फिर दालचीनी का दो टुकड़ा, एक इंच के दो टुकड़े हैं। और ये शाहजीरा, ये जीरा नहीं है, शाहजीरा बिरयानी को जो यूज़ करते हैं शाहजीरा, वो एक 1/4 टीस्पून है। और स्वाद अनुसार नमक तो ज़रूरत है और तेल की भी ज़रूरत है। और यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर लीव्स और पुदीना लीव्स है। एक्चुअली आपको फनी लगेगा शायद, लेकिन मैं काउंट करके ही यूज़ करती हूँ। वो ये काउंट है कि मैं अराउंड 40 पेटल्स ऑफ पुदीना को अराउंड एक 20 to 22 है इसमें स्टेम्स ऑफ कोरिएंडर्स फॉर 2 kg चिकन। तो अगर 1 kg में है तो 20 पेटल्स के साथ मैं 10 to 12 petals को ग्राइंड करती हूँ। ग्राइंड करके उसको मैं चिकन को मैरिनेट करने रखती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं कर्ड्स में कोरिएंडर, पुदीना और ग्रीन चिली उसको ग्राइंड करके उसको अच्छा सा एक पेस्ट बनाती हूँ। फिर उसमें ये जो पाउडर्स रखे हैं मैंने, उसको भी मैं ब्लेंड करके उसको मैं सॉल्ट डालती हूँ। फिर मैं चिकन को मैरिनेट करके रखती हूँ एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 1 आवर, एटलीस्ट 1 घंटा तभी वो मैरिनेट करके रखो, ताकि चिकन वो पूरे मसाले सब एब्जॉर्ब करे, ताकि बिरयानी में वो अच्छे फ्लेवर्स आए। तो चलो मैं अभी ग्राइंड करने के लिए लेकिन एक याद रखो, बिरयानी में यूजुअली कुछ लोग टोमेटो को ग्राइंड करके डालते हैं, लेकिन प्लीज़ टोमेटो को ग्राइंड मत करो, टोमेटो को फ्राई करने में डालो, क्योंकि वो ग्राइंडेड टोमेटो की बिरयानी और आप उसको कट करके फ्राई करके जो बिरयानी बनाते हो, खुद बनाओ और देखो, आपको टेस्ट मालूम पड़ जाएगा। जो टोमेटोस कट करके फिर उसको अच्छे से तेल में फ्राई करते हैं ना, उसका बिरयानी का मज़ा ही कुछ और है। सो प्लीज़ डोंट ग्राइंड टोमेटोस, उसको बाद में मैं फ्राई करूँगी ऑनियंस के बाद। तो चलो मैं अभी एक पेस्ट बना लेती हूँ। ओके, तो मैंने मिक्सर के जार में पहले मैं 3/4 cup ऑफ कर्ड्स डालूँगी। फिर ये कोरिएंडर लीव्स, फनी कैलकुलेशन बट वर्थ अ ट्राई, ऐसा ट्राई करके तो देखो, एकदम बढ़िया सा फ्लेवरफुल बिरयानी बनता है विद परफेक्ट बैलेंस और नॉन स्पाइसी प्लस फ्लेवरफुल, क्योंकि नॉन स्पाइसी के साथ टेस्टी बिरयानी बनाना उतना आसान नहीं है। स्पाइसी बना के टेस्टी बना सकते हो, लेकिन नॉन स्पाइसी एंड टेस्टी कुछ अलग है। ओके, तो ये 22 पेटल्स या 20 स्टेम्स ऑफ कोरिएंडर है, उसके साथ यहाँ पे एक 40 पेटल्स पुदीना का था, फिर एक 8 ग्रीन चिली, इसको डाल के मैं अच्छे से एक फाइन ग्राइंड कर लूँगी पहले। तो मैंने ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स थे उसको ग्राइंड किया है। अभी मैं उसमें ये जो कोरिएंडर पाउडर है वो, साथ ही साथ ये जो चिली पाउडर है, टर्मरिक पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, पेपर पाउडर और गरम मसाला पाउडर, इसको डाल के ग्राइंड करूँगी। और नमक भी डालूँगी मैं, 2 kg तक का है तो मैं एक अराउंड नहीं एक्चुअली 2 spoons डाल सकते हैं, इसमें 2 spoons डाले तो मेरे लिए बस हो जाता है। ये ग्राइंड हुआ है, अभी मैं क्या करूँगी, ये चिकन को जो मैंने स्ट्रेनर में डाल के रखा था उसको मैंने एक बर्तन में डाल दिया। अभी इसको ये जो भी मैरिनेट करके रखोगे ना तो और टेस्ट बढ़िया आता है, क्योंकि चिकन वो जो फ्लेवर सब लिए रहता है ना मैरिनेशन के टाइम पे। लेकिन एक है, मैरिनेट करने के बाद उसको फ्रिज में रख दो, बाहर नहीं रखना।
मैरिनेट करो। मैरिनेट करने के बाद जब तक उसको पकाने के लिए नहीं निकालो तब तक उसको फ्रिज में रहने दो। तो अभी पूरे अभी मैरिनेट कर दिया है मैंने। अभी इसको बंद करके मिनिमम एक घंटा आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट एक हाफ एन आवर तो भी मैरिनेट करके रखो, फिर आप उसको पकाने में यूज़ कर सकते हो। एकदम बढ़िया फ्लेवर आता है। तो अभी एक घंटा हो गया है और तब तक मैंने क्या किया था, मैंने थोड़े ऑनियंस को फाइनली स्लाइस किया था, फिर उसके साथ ही साथ मैंने बासमती चावल को एक 20 मिनट्स के लिए भिगोया, मतलब उसको अच्छे से वॉश करके फिर उसको एक पानी में 20 मिनट्स तक सोक करके रखना है। 20 मिनट्स हो चुके हैं, मैं अभी ये पानी को हटाती हूँ, मतलब मैं पानी को ड्रेन करती हूँ उसमें से। और यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक का बर्तन लिया है बिरयानी बनाने के लिए इसमें, और इधर मैंने एक बड़े से बर्तन में ढेर सारा पानी रखा है। इसमें मैं जब भी पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें बासमती चावल डाल के पकाऊंगी, क्योंकि मैं पानी को बाद में ड्रेन करने वाली हूँ। चावल पकने के बाद थोड़ा पानी को मैं ड्रेन करती हूँ, तो अभी मैंने पानी को गर्म करने रखा है और यहाँ पे बर्तन भी बिरयानी बनाने के लिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। तो अभी मैं बर्तन में रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। यूजुअली मैं हर चीज में, ये अम्मी की रेसिपी है लेकिन इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल को कोकोनट ऑयल के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, तो मैं अम्मी रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं तो मैं भी रिफाइंड ऑयल ही यूज कर रही हूँ। यूजुअली मैं तेल का अंदाज लेती नहीं हूँ, मैं बर्तन में डाल के ही देख लेती हूँ कि हाँ इसमें एक देखो अभी एक 3/4 कप का तक तो तेल है। मैं थोड़ा घी भी डाल रही हूँ इसमें, तो मैंने अराउंड 3/4 कप रहेगा वो, क्योंकि 8 प्याज है उसको लाल फ्राई भी करना है। अभी मैं थोड़ा घी भी डाल रही हूँ। तो अभी इसको गर्म होना है, उसके बाद इसमें मैं खड़े मसाले डालूंगी, फिर ऑनियंस को फ्राई करना है। अभी तेल गर्म हुआ है तो मैं जो सारे खड़े मसाले थे, एक्चुअली मैं बे लीव्स को मेंशन करना भूल गई थी, तो 2 बे लीव्स भी है, उसके साथ साथ 1/4 टीस्पून ऑफ शाहजीरा, एक 2 इंच का उतना दालचीनी, 4 इलायची, फिर 1/7 लौंग और 1.5 स्टार अनीस, 1 सारा और 1 आधा। तो जैसे ही उसकी खुशबू आती है हम लोगों को ऑनियंस डालना है। अभी अच्छी खुशबू आ रही है तो मैं अभी ये टाइम पे ऑनियन डाल के छोड़ती हूँ। अभी उसको लाल होने तक फ्राई करना है। मैंने हाई फ्लेम पे रखा है ताकि वो जल्दी हो जाए, ऑनियंस जल्दी लाल हो, और हाथ चलाते रहना है क्योंकि नहीं जले वो, नहीं ये तो नीचे से जल जाएंगे ऊपर से कच्चे रह जाएंगे, ऐसा हो जाता है, तो हाथ चलाते रहो हाई फ्लेम पे रखा है तो। पानी अच्छा गर्म होना है, अब देख सकते हो थोड़े बॉइल्स आ रहे पानी में, पानी गर्म हो रहा है। एकदम जब अच्छे बॉइल्स आएंगे फिर मैं वो चावल को डालूंगी इसमें पकाने। मेरा ऑनियंस तो फ्राई हो रहा है, कंटिन्यूसली उसको हाथ चलाना है क्योंकि मैंने हाई फ्लेम पे रखा है ताकि इवनली ब्राउन हो। ऑनियंस ब्राउन होना चालू हुए हैं लेकिन बनना बहुत बाकी है क्योंकि एकदम लाल होना है, जलाना नहीं है। बरिश्ते का ऑनियंस अच्छे से क्रिस्पी से वैसे बनते हैं वो,
तो वैसा बनना है, उसके बाद ही उसमें हम लोग चिकन ऐड करेंगे जो मैरिनेट करके रखा है। नहीं, उससे पहले मैं टोमेटोज डालूंगी थोड़ा, फिर मसाले और टोमेटोज को फ्राई करूंगी ताकि टोमेटोज का रॉस मिल जाए और ऑयल भी छूटे, फिर मैं चिकन डालूंगी मैरिनेट। इधर से पानी अच्छा गर्म हुआ है और थोड़ा गर्म होने तो हुआ, ऑलमोस्ट बबल्स आ रहे हैं, थोड़े और बड़े बबल्स, मतलब एकदम अच्छा हीटेड पानी चाहिए। ऑनियंस लाल होते आए देखो, लेकिन और होना है, एकदम लाल होना है। बिरयानी के लिए थोड़ा तेल ज्यादा ही चाहिए, कम डालते हो तो फिर वो ऑनियंस फ्राई होने के लिए मतलब थोड़े सही फ्राई होते नहीं है वो। ये देख सकते हो आप कि अभी अच्छा हुआ है, यही कलर आना है इसे, बरिश्ता बनाना है क्योंकि नहीं है तो आप ऐसा ऑनियंस फ्राई नहीं करना चाहते हो, अलग से बरिश्ता बना के भी ऑनियंस को ऐड कर सकते हो। ये देखिए बस ऐसा अच्छा सा ये कलर आना है और ऑनियंस भी मेरे इवनली कुक हुए हैं। तो अभी मैं ये जो टोमेटोज थे उसको डाल रही हूँ। टमाटर्स को भी डालने से क्या होगा कि ऑनियंस का वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। और अभी मुझे टोमेटोज को भी अच्छे से थोड़ा मैश करके मतलब ऑयल जब तक छूटे उसको फ्राई करना है। कच्चे पके टोमेटोज लिए तो अच्छा, क्योंकि कच्चे टोमेटोज है तो फिर क्या होता है वो वैसे ही थोड़े रह जाते हैं, पके टोमेटोज है तो मसाले में अच्छा मिक्स होके आते हैं। पेस्ट बना के डालते हैं कुछ लोग, लेकिन हम लोग मतलब अम्मी ज्यादातर कट करके ही डालते हैं ऐसे, तो हम लोग वैसे ही करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर टमाटर्स को पकने छोड़ती हूँ, लिड क्लोज करके छोड़ देती हूँ थोड़ी देर। यहाँ पे मेरा पानी अच्छा गर्म हुआ है तो मैं अभी इसमें चावल डालूंगी। ये देखिए मैंने पानी को ये ड्रेन करके रखा था चावल को, तभी मैं वो चावल डाल रही हूँ। पानी ज्यादा ही है क्योंकि चावल को खिल के आना है, नहीं है तो आप 1:1 में भी कर सकते हो, लेकिन मैं अब चावल ड्रेन करना पसंद करती हूँ तो मैं ज्यादा पानी रख के फिर वो जैसे ही चावल थोड़ा पकते आएगा मैं पानी को ड्रेन करती हूँ। अभी मैं इसमें मैं यूजुअली कोई भी गरम मसाले खड़े मसाले नहीं डालती हूँ, लेकिन ये जो बिरयानी का पत्ता है ये मैंने घर में मतलब मेरे मम्मा ने झाड़ पेरा है तो उसको मैं एक दो डाल देती हूँ इसमें। मैं दो पत्तों को भी डाल देती हूँ, वो बॉईल होने दो, मैंने गांठ बांध के डाला है ताकि बाद में मैं उसको निकाल के फेंक भी सकती हूँ। को पानी के लिए सही रखो, नहीं तो थोड़ा ज्यादा रहे तो भी परवाह नहीं क्योंकि पानी ड्रेन होके जाने वाला है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा हो तो परवाह नहीं। टोमेटोज भी अच्छे फ्राई हुए हैं,
एक 2-3 मिनट तक उसका रॉ स्मेल भी जाए और ऐसा देखो तेल भी छूट रहा है देखो। तो अभी मैं ये जो मैरिनेटेड चिकन है इसको मैंने फ्रिज से निकाला है बाहर, तो अभी मैं इसको पूरा डाल दूंगी इसमें और एकदम स्लो फ्लेम में अभी लिड क्लोज करके चिकन पकने के लिए रख दूंगी। मैंने चिकन को मैरिनेशन में नमक डाला था तो अभी थोड़ी देर मैं उसको लो पकाने रखूंगी, फिर मैं चेक करती हूँ। इधर से मेरे चावल भी पकते आए, 90% डन। फिर इसको मैं स्ट्रेनर में पानी निकाल लूंगी। उसको कूल होने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं उसको यहाँ पे चिकन पकने के बाद उसके ऊपर डालती हूँ। अभी मैंने पूरा पानी ड्रेन करके ये बड़े से कोलेंडर में डाल के रखा है, और बड़ा रहता है तो अच्छा है क्योंकि वो थोड़ा राइस ठंडा हुआ तो भी अच्छा ही है क्योंकि बाद में टूटते नहीं है दाने, नहीं है तो गर्मी में अंदर से फिर पकते रहता है। मैं इधर से मेरा अभी चिकन भी देख लेती हूँ कि क्या मेरा चिकन बॉईल हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगी, देखो मैंने पानी ड्रेन किया था फिर भी आप देख सकते हो कि पानी है इसमें, वो परवाह नहीं वो चल जाता है। अभी मैं उसको राइस डाल के दम करने को रख दूंगी। देखो मेरा चिकन तो पक गया है और बहुत बढ़िया लग रहा है अभी से। चलो तो मैं अभी क्या करूंगी, अभी मैं उसको ऊपर राइस डालूंगी और थोड़ी देर के लिए दम करने रखूंगी। मैंने ऑयल क्या भी नहीं डाला था फिर भी दाने एकदम स्टिकी स्टिकी जैसे नहीं है क्योंकि उसको मैंने थोड़े देर के लिए ठंडा करने के लिए फैन के नीचे रख दिया था। पहले थोड़ा कलर्स डालूंगी, थोड़ा चॉप पुदीना, कोरिएंडर लीव्स थोड़े, मैं ज्यादा नहीं डालती हूँ थोड़ा। मम्मी का एक सीक्रेट है कि वो थोड़ा रोज वाटर डालते हैं तो मैं थोड़ा रोज वाटर डाल रही हूँ। बिरयानी अच्छी फ्लेवर की बन गई, थोड़ा रोज वाटर डाल दिया और अभी ऊपर से अच्छे से थोड़ा घी डालेंगे। तो अभी मैं इसको बंद करके 20 मिनट्स के लिए रख दूंगी। मैं क्या भी डो लगा नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं मैं, लेकिन हाँ जरूर एक तवा लगा देती हूँ इसके नीचे ताकि जले नहीं नीचे से। मैं दम इतना ही करती हूँ, कभी कभी जरूरत महसूस हुई तो मैं कपड़ा बांध देती हूँ लेकिन मैं डो सब लगा के नहीं रखती हूँ, ऐसे ही मैं 20 मिनट्स छोड़ देती हूँ। अभी 20 मिनट्स हो गए हैं, अभी मैं पहले एक लाइट एक प्लेट लेती हूँ क्योंकि वो थोड़ा मुझे हलाना है चावल को ऐसा, और हमारे घर में ऐसा सेपरेट चावल और ये प्रेफर करते नहीं है। तो मुझे क्या करना है अभी, मुझे चिकन का ये जो मसाला मैंने नीचे से बनाया है उसके साथ ये राइस को मिक्स करके फिर मैं एक 10 मिनट के लिए दम को रखूंगी।
अभी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं उसको बंद करके फिर एक 10 मिनट्स के लिए रख देती हूँ ताकि चावल और वो जो चिकन का मसाला था अच्छे से मिक्स होके एकदम मिल के आए। उसके बाद रेडी टू सर्व। अभी 10 मिनट्स हो चुके हैं तो अभी हमारा मेरा चिकन बिरयानी बनके तैयार है। बच्चे भी बेसब्री से वेट कर रहे थे। देखो कितना बढ़िया है। एकदम बढ़िया सा चिकन बिरयानी बनके तैयार है। डू गिव इट अ ट्राई, बहुत अच्छा बनता है। और अभी लास्ट को मैं इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट भी डाल देती हूँ। अगर आप 1 kg में पकाना चाहते हो तो उसका भी क्वांटिटी मैं लास्ट वीडियो के एंड में डाल देती हूँ। डू गिव इट अ ट्राई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये जो बिरयानी का लीफ बोल के मैंने राइस पकाने में डाला था ना, ये वो झाड़ है।